देखिए, एंटरटेनमेंट के कितने ही प्लेटफॉर्म्स क्यों ना आ जाएं, ये सब हम भी जानते हैं कि टीवी सीरियल्स की ना अपनी एक डेडिकेटेड डिवोटेड फैन फॉलोइंग और ऑडियंस हमेशा से रही है, जो अच्छे शोज को फॉलो करते ही हैं। और ऐसा ही एक शो जो है अभी काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सामने आया है, सोनी एंटरटेनमेंट का कथा, जिसकी कहानी को बयां करने आज एसन यानी के समर वर्माणी हमारे साथ है। तो ऑब्वियसली इनसे हम ढेर सारी अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले समर, पंजाब के इसी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निधि। यू हैव अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैं जितनी आपके अंदर एंथुसियाज्म है वो मैच कर सकूँ। ओके, वो आप कर पाएंगे, बिकॉज आई टेल यू, मतलब जैसे आपका कैरेक्टर ऐसा हमें दिख रहा है, अगर वैसे समर भी है तो डेफिनेटली अच्छी जुगलबंदी होगी। हाँ, मतलब इतना सोचता नहीं हूँ, बट आई गेस आई एम अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। आज की सोचता हूँ, कल की इतनी ज्यादा नहीं सोचता। पहले बहुत करता था, लेकिन फिर रियलाइज किया कि कल का सोच के कुछ होता, फायदा तो होता है नहीं, तो आज में जी लेते हैं। जो भी अच्छा बुरा होगा, ऊपर वाला है वो देख लेगा। तो बस आई प्ले माई कैरेक्टर ऑल्सो आई लाइक दिस, लाइक जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना कि देख लेंगे यार क्या हो गया। तो वेन आई वॉज हैविंग अ वर्ड विद माई डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज लाइक, ये ऐसा है कि देख लेंगे ना यार क्या हो गया। एंड ऑल्सो बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग मॉरली रॉन्ग, राइट? ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग मॉरली रॉन्ग, तो वो इतना सोचता नहीं है चीजें करने से पहले। एंड बस यार, फिर कुछ इफ एनी बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, सो देन हिज फ्रेंड एंड हिज बिजनेस पार्टनर वियान रघुवंशी, अदनान एक्टर हमारे, तो वो है ध्यान रखने के लिए, एंड वाइस वर्सा। राइट, तो मैं शुरू से शुरू करूंगी। पहले तो ये बताइए कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है शो का, कैसा फील हो रहा है आपको? यार ऑनेस्टली निधि, मुझे ना रिस्पॉन्स के बारे में इतना पता चलता नहीं। आई एम द वेरी बैड पर्सन, दिस इज नॉट द राइट आंसर। दो आंसर शुड बी रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ ब्रीफ नहीं किया गया, ऐसा कुछ बोलना है, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जब भी सेट पे बात होती है किसी के बीच में, लाइक डायरेक्टर एंड क्रिएटिव आर टॉकिंग और द अदर एक्टर्स आर टॉकिंग, आई एम हियरिंग द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। एंड फॉर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आई कैन सी, आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन, आई हैव अ वेरी फ्यू फॉलोअर्स, राइट? बट नाउ आफ्टर द शो हैज रिलीज, माई फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल, आई वुड कॉल देम माई फैंस, वेल विशर्स, एंड दे आर रियली एक्नोलेजिंग द शो, माई परफॉर्मेंस। सो मैं उसी से अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ यार, अच्छा ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ हम, जो लोग हमको इंस्टा पे जाके नाम सर्च करके मैसेज कर रहे हैं सामने से। सो या, इट्स अ वेरी ग्रेटफुल फीलिंग, एंड आई जस्ट होप, थैंक्स टू द राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड माई को एक्टर्स टू हेल्पिंग मी इन ऑल दैट, पुटिंग अप अ गुड शो। या तो समर, अभी वो वाली सिचुएशन नहीं आई है जहाँ सड़कों पे लोग रोक के आपको ऐसे 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 करके पुकार रहे हैं? नहीं, ऐसी तो अभी कुछ नहीं आई है, ऐसा नो, तो बिकॉज अभी टीवी स्टार्स, उनको इस तरह का प्यार मिलता है, यू नो, दे गेट दैट काइंड ऑफ एडलेशन, कि उनका नाम, असली नाम भूल के लोग उनके जो कैरेक्टर नेम्स होते हैं उससे उनको पुकारते हैं, एंड यू नो दे गिव देम चलो सर, सो मच लव। आपके मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाए तो अच्छा लगेगा, मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा, तो आई होप हो जाए। लेकिन आई डाउट बॉम्बे में होगा यार, बॉम्बे में एवरी अदर पर्सन इज अ सेलिब्रिटी, सो बट एनी वे, एवरी अदर सिटी इज डेफिनेटली, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हाट यू जस्ट सेड, कि पीपल रिमेम्बर यू बाय योर कैरेक्टर्स नेम, इट मींस दे वर सो, वो इतने अटैच हो गए आपकी परफॉर्मेंस से दैट दे रिमेम्बर यू सो वेल। सो या, आई होप व्हेन इट हैपेंस, व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई होप आई कैन से यस। राइट, फिंगर्स क्रॉस टू दैट। बट हाउ डिड कथा हैपन टू यू? कथा और क्योंकि हैपन, पैरेलल सो लीड है, सो यू नो व्हाट मेड यू से यस टू इट? यू नो ऑनेस्टली इट हैपन टू मी, लाइक आई मीन रीमा, आवर कास्टिंग डायरेक्टर, शी कॉल्ड मी फॉर इट, एंड शी एग्जैक्टली शी टोल्ड द सेम थिंग कि यार समर देख ले, पैरेलल लीड है, सो यू इंटरेस्टेड। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आज की डेट में पैरेलल लीड लीड से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, और कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फॉर दैट मैटर वेब हो, फिल्म हो, टीवी हो, पीपल कनेक्ट विद यू एंड योर कैरेक्टर, कि आप उनको कितना वो शिद्दत से अपने अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। सो चाहे मेरा काम किसी किसी जगह एक दिन हो, या फिर पूरा मंथ में आई एम वर्किंग फॉर 30 डेज, इफ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम, देन देयर इज नो पॉइंट। सो आई ऑडिशन फॉर इट, देयर वर कपल ऑफ राउंड्स ऑफ ऑडिशन, देन द डायरेक्टर मेट मी, द क्रिएटिव डायरेक्टर मेट मी, एंड आफ्टर ऑल दोज मीटिंग्स, सो दे वर कीन ऑन मी, एंड देन आई वाज आल्सो कीन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स एंड आफ्टर लिसनिंग द ब्रीफ फ्रॉम द क्रिएटिव सर, कि बिकॉज उनको ब्रीफ बहुत श्योर था, बिकॉज इट्स अ टर्किश ड्रामा, तो उसमें जिससे रीमेक ऑफ टर्किश ड्रामा, तो उसमें जो हुआ था, जब मैंने ब्रीफ सुना, आई वाज लाइक कि यार
समटाइम्स इट्स गुड टू बी पैरेलल लीड बिकॉज थिंग्स आर नॉट ऑन योर शोल्डर्स. आप जाते हो सेक्टर, मजे से अपना काम करके आते हो और यू एंजॉय द मोमेंट. एंड प्रॉब्ली आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई वॉन्ट टू एंजॉय द जर्नी एंड नॉट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन. लाइक इट्स ओके ब्रो, लेट्स जस्ट डू दिस, लेट्स जस्ट डू दिस. तो इसी खुशी में बस कर लिया. और प्लस ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है यार. एंड आई लव माई क्लोथ्स, दे गिविंग मी सो कलरफुल ब्राइट वाइब्रेंट काफी स्टाइलिश क्लोथ्स. लगते हो आप. हाँ थैंक यू. मैं रियल लाइफ में शायद से इतना नहीं अब देख ही सकते हैं मेरे को नॉर्मल टी शर्ट, बट दे हैव गिवन मी सम ब्यूटीफुल अमेजिंग क्लोथ्स यार. एंड प्लस राइटर हैव डन देयर जॉब रियली वेल, बहुत अच्छी लाइंस लिखी है मेरे लिए. तो जो भी कॉमेडी पंचेज होते हैं तो मैं आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम. ये सब बात हुई थी ऑफ कोर्स विद माय क्रिएटिव एंड माय डायरेक्टर, इसलिए मैंने हाँ बोली. राइट राइट. अच्छा अभी तक तो क्योंकि अभी सीरियल जो है वो शुरू ही हुआ है, तो अभी तो जी कैरेक्टर्स जो है वो बिल्डअप हो रहे हैं, हम एज ऑडियंस समझ रहे हैं और बैक स्टोरी भी हम अपने मन में एक बना रहे हैं. अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है. जो सीरीज है ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल इंटेंस, जहां पर अदनान और अदिति के कैरेक्टर्स जो है वो ऑब्वियसली काफी इंटेंस है, लेकिन आप वहां पे ना वो एक आग में पानी डालने का काम सा करते हो हमेशा और थोड़ा सा लाइट हार्टेड बना देते हो, तो हाउ मच आर यू एंजॉयिंग प्लेइंग योर कैरेक्टर? I'm loving it. I'm loving it. I guess because I'm loving it because I can really connect with that character in my real life also. So, you know, when you connect something अपनी असल जिंदगी में, तो वो प्ले करना एक तो मुश्किल नहीं होता है और वो और इजी भी बन जाता है आपके लिए बिकॉज देन यू नो उसकी पिचिंग कितनी रखनी है, कैसे करना है. एंड बस यही है कि एक तो आई एम लविंग इट एंड दिल से करता हूँ तो शायद से ऑडियंस के दिल से कनेक्ट हो जाती होंगी चीजें. तो यही है. I'm really loving it यार. I'm having a great time on set, genuinely. Like I really look forward whenever they call me कि ओ वाव आज ये करके आना है. So yeah. तो तो शूट हाँ जी. एक्सपीरियंस एंड केमिस्ट्री विद योर को-स्टार्स वो कैसी है? Amazing, amazing. You know usually they say कि टीवी बहुत हेक्टिक होता है, बहुत काम होता है, जो कि होता भी है. मैंने पहले कर रखा है, मुझे पता है बहुत काम होता है. बट क्योंकि ये हमारा पैशन है तो काम के लिए आप 12 घंटे का 24 घंटे काम कराओ, हम खुशी खुशी करने को रेडी है. नो कंप्लेन्स व्हाटसोएवर, रियली ग्रेटफुल. बट हैविंग सेड दैट, दिस शूट में ऑल माय को एक्टर्स, माय डायरेक्टर, द क्रिएटिव टीम एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑन सेट, सब इतने प्यारे हैं ना. पता नहीं मेरे साथ है सबके साथ है मुझे वो पता नहीं, अच्छा लेकिन मेरे को तो बहुत मजा आता है यार. आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज़ आई एम ऑन कैमरा और मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी है सबके लिए. नहीं, मेरे को आई एम एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद एवरीवन. अदनान माय को एक्टर, उस मेरी बॉन्डिंग नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो गई है. तो जब मैं स्क्रीन पे उसको बोलता हूँ मेरे भाई बात तो सुन, तो वो मैं उसको लाइफ में भी ऐसे बोलता हूँ भाई ये ऐसे मत कर, ऐसे कर ले. तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उससे बात करने से पहले. नहीं, आई कैन आई एम वेरी कंफर्टेबल अराउंड हिम एंड सेम विद अदिति. सो या आई मीन शी इज लाइक टेलीविजन या फिर इन जनरल शी इज सच अ नाइस एक्ट्रेस एंड उन्होंने इतना काम कर रखा है. बट जब उनसे आप बात करते हो तो ऐसा शी इज नॉट कैरिंग द बैगेज ऑफ अ वर्क. एंड सेम विद माई डायरेक्टर, सब बहुत प्यारे लोग हैं. वो कहते हैं ना कि आप अच्छे रहो तो आपसे सब अच्छा रहेगा, करेक्ट तो आई करेक्ट. थिंक यही हो रहा चलो टचवुड ऑन दैट नोट. बट जैसे हम जो यू नो एज ऑडियंस हमें सीरियल का एडिटेड वर्जन दिखता है, जो यू नो डायरेक्टर को लगता है कि अच्छा ये अच्छा लगेगा, लेकिन पीछे है. बहुत कुछ और होता होगा आई एम श्योर सबर, जो हम नहीं देख पाते, जो या तो एडिट हो जाता है या आप लोग के फन बिहाइंड द सीन्स होते हैं. तो ऐसा कुछ प्लीज अपने फैंस के लिए शेयर अगर आप कर सकें. सिर्फ यही है कि हम वो एक टेक में नहीं करते, दो तीन टेक और ले लेते हैं उसके इतना भी राइट प्रोफेशनल, दो तीन टेक्स के बाद ही कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है. तो वो होगा. बाकी फन मोमेंट्स तो यही है. आई हैव टू थिंक डीप इनटू इट. यू नो एक्चुअली इट्स जस्ट 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 बीइंग ऑन सेट इज इट्स फन. लाइक आई समटाइम्स सी कि जब मैं कोई फाइनल सीन देखता हूँ एडिट होकर, अरे इतना अच्छा आया एंड दैट डे सर से, डायरेक्टर सर से इतनी डांट पड़ी थी. You know, ओके so seeing like remembering that like before watching the scene, I know कि यार ये वाला सीन शायद से अच्छा नहीं किया मैंने, क्योंकि ना उस दिन बहुत डांट पड़ी थी, मुझसे हो नहीं पा रहा था, वॉट एवर रीजन में भी, हाँ राइट. जब मैं देखता हूँ ठीक है यार नॉट बैड. सो द प्रोसेस ऑफ कि कैसे शूट हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, एंड देन सीइंग फाइनल वर्जन, मेरे लिए बहुत फन है वो. एक तो ये होगा, प्लस सेट पे एज आई सेड कि सब गपशप लगाते हैं, साथ बैठ के चाय कॉफी पीते हैं, सभी एक ही लेवल पे है. कोई ये नहीं है कि बड़ा है छोटा है, कोई वन डे एक्टर है या फिर कोई पैरेलल लीड है, कोई लीड है, ऐसे कुछ नहीं है. तो जब सब एक लेवल पे आके काम करते हैं ना, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हाँ सेट पे जहाँ लोगों के लोग हैं, तो वो अपने आप बहुत बड़ा फन एक्सपीरियंस बन जाता है. राइट तो राइट. या
तो हम लोग ना सीरियल देख देख के थोड़े से खुद भी डायरेक्टर बन जाते हैं, और हम ना ऐसा सोचते भी आगे चल के ऐसा होगा, आगे चल के ऐसा होगा। तो आगे चल के ऐसे इनका कैरेक्टर कुछ चेंज होने वाला है जितना भी देखिए आप इस रिवील कर सके। दिमाग मत लगाइए आप या फिर कोई और, क्योंकि मैंने अपना दिमाग खान छोड़ दिया है, बिकॉज मुझे खुद एवरीडे सरप्राइजेस मिलते हैं सेट पे। अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये भी कर रहा हूँ, ओ माय गॉड ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुश शॉक हो जाता हूँ कि ओ माय गॉड सर। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए आगे की कहानी, ज्यादा बोलूंगा तो फिर ये हाँ सब ठीक है, निर्वील मत कीजिए। तो फिर सो या देर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस मैन, देर आर आई माई सेल्फ गेट सरप्राइज, लाइक आई हैव टू आस्क माई सेल्फ अपने एज अ समर विद इन कि ओके आई कैन गो दैट वेज, बिकॉज अब तक मेरे को इतना वो पॉजिटिव दिखाया है, ये दिखाया है, अभी ये नहीं कोई नेगेटिव ले जाएंगे, बट स्टिल जैसे एक नॉर्मल किसी भी रिश्ते में जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई तो होती ही होती है, तभी कहते हैं कि वो सच्चा प्यार है, वेदर करेक्ट। इट्स बिटवीन अ बॉय दो दोस्तों के बीच में हो, माँ बाप के साथ हो, तो वो सब है, बट देन वो लड़ाई ये टर्न ले लेगी, इसमें जाएगा, एंड आई एम रियलाइजिंग एज आई एम स्पीकिंग, मैं खुद ही अपनी जो मैं मना किया था मैं बोलता जा रहा मत हूँ, बताओ मत बट बताओ, इससे पहले कि इस इंटरव्यू पे सेंसर लग जाए। तो हाँ यार देयर इज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस नॉट जस्ट फॉर माय कैरेक्टर, फॉर एवरीवन आई वुड से, या फॉर ओके ओके एवरीवन, ओके, सो वी वेट एज द यू नो सीरीज एंड एपिसोड्स या अनफोल्ड। आई एम आल्सो वेटिंग ऑनेस्टली, या राइट ओके, चलो आपकी जर्नी की बात करते हैं। आपकी जो कहानी है, आपने आई थिंक सारे प्लेटफॉर्म्स जो है, मीडियम्स जो है, वहां काम किया है, यू नो एड्स किए हैं, फिल्म्स की हैं, सीरीज की, सीरियल कर रहे हैं। जर्नी अभी तक अगर आप सम अप करोगे, समर कैसी रही? टचवुड यार आई मीन जर्नी ऑनेस्टली आई एम रियली ग्रेटफुल कि 10 ईयर्स बैक आई चोज दिस इंडस्ट्री और दिस वर्क, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग की है पुणे से, सो आई एम फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, तो वहां पे हर बच्चा मतलब लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी डॉक्टर बनेगा अगर पढ़ाई में अच्छी है, तो मेरे वही मेंटालिटी थी, नथिंग रॉन्ग विद दैट ऑनेस्टली, रियली नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग आई रियलाइज कि अच्छा जब मैं पुणे आया पहली बार घर से दूर था, कुछ अपना दिमाग चलना शुरू हुआ एंड ऑल दैट जैज, तो तब मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, थिएटर करना शुरू किया, तब जाके रियलाइज हुआ कि मेरा इसमें मन लग रहा है। तो जैसे लोग कहते हैं कि आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, नहीं मुझे पता नहीं था मुझे बचपन से बनना क्या है, मैं तो जो जो माँ बाप क्या करती वो सब कर रहा था और बहुत खुशी खुशी कर रहा था विद नो कम्प्लेन्स। तो या तो उसके बाद मेरे को फिर मैंने जॉब भी किया 2-3 महीने पुणे में ही, तो सर इसमें मजा नहीं आ रहा, तो 1-2 साल जाते हैं बॉम्बे, वहां जाके ट्राई करते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो आई ऑलवेज हैव प्लान बी टू फॉलो अपॉन। तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा को ये था कि ये बॉम्बे आके एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी को पता था, तो फिर जब मैं जब बॉम्बे आया मेरे को एड्स में लकीली थोड़ा जल्दी काम मिलना शुरू हो गया, तो वहां पे मेरी एक एड वगैरह रिलीज होगी, किसने देखी होगी चंडीगढ़ में, तो उन्होंने पापा को बताया कि आपका बेटा मशहूरी में आता है, वहां पे पंजाबी में एड को मशहूरी कहते हैं, राइट आई एम पंजाबी, तो बस फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइक आई ऑलवेज से कि इस इंडस्ट्री में कोई फेमस एक्टर बन पाए ना बन पाए, लेकिन उसको लाइफ का बहुत ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आप एक इंटरव्यू देते हो या दो इंटरव्यू देते हो एंड देन यू आर सेट फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स इफ नॉट मोर, यहाँ एवरी सिंगल जॉब यू गिवन ऑडिशन, लाइक एवरी सिंगल डे यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू लुक गुड, एंड देर आर नो एक्सक्यूजेस, एंड एंड वी हैव नो वन टू ब्लेम, किसको ब्लेम करेंगे, हम खुद तो ये चूज किया है, सो टफ है, लेकिन जब काम मिलता है तो खुशी भी उतनी होती है। तो एवरी एक्टर हैज अ बकेट लिस्ट रेडी कि यार ऐसा प्रोजेक्ट करना है, फला फला के साथ काम करना है, ऐसा रोल करना है। समर की बकेट लिस्ट में टॉप 3 अगर शेयर कर सकें। हाँ top 3 यार मेरी ये बकेट लिस्ट पहले बहुत सारी होती थी, एज आई सेड आई रियलाइज कि इन चीजों से क्या ज्यादा होगा होता सोच नहीं है, के? काम आता मैं लेता रहता हूँ, बट स्टिल हैविंग सेड दैट आई जन नॉट आई बिकॉज मैं यदि मेरे को ना जेनुअली एक अच्छा काम करना है, लाइक एक होता है ना कि गुड वर्क, वेदर इट्स अ हाँ वन डे का और इट्स अ व्हाटएवर, आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड वर्क एंड गुड स्क्रिप्ट्स एंड गुड, वो मतलब अभी जैसे मैंने जो लास्ट शो था वेब का वो गिरगिट था, उसमें आई वॉज प्लेइंग अ कॉप, सो दिस इट वॉज अ वेरी हार्ड कोर कैरेक्टर, यू नो हु इज अब्यूजिंग एंड कहते हैं स्मोकिंग एंड ऑल, एंड देन उसके बाद मैंने अमेजोन प्राइम की सीरीज करी वेर के, सो अगेन अ कॉन्ट्रास्ट, सो दोस टू एंड नाउ आई एम प्लेइंग अ यू नो बॉय नेक्स्ट डोर हैप्पी गो लकी पर्सन, जो मैं शायद लाइफ में हूँ, बट वो दो कैरेक्टर्स मैं बहुत डिफरेंट थे, तो
सिमिलरली इन फ्यूचर ऑल्सो आई वॉन्ट चूज डिफरेंट कैरेक्टर्स विच विल ऑफकोर्स चैलेंज मी ऑल्सो एज एन एक्टर. एंड बाकी यार फिल्म किसको नहीं करनी, अच्छी फिल्म मिले तो व्हाई नॉट. हाँ नहीं पर वेब में अच्छा काम मिलता रहे तो आई एम मोर देन हैप्पी. या राइट एंड नाउ प्रोबब्ली आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड नॉट थिंकिंग कि 5 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा, 10 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा. मैं अभी कहाँ हूँ मेरे को वो देखना है, और मैं अभी खुश नहीं अपने काम से, ओनली दैट जस्ट मैटर्स टू मी. या राइट और आप हमेशा ऐसे खुश ही रहे अपने काम से और काम ढेर सारा आपको मिलता रहे, दैट्स व्हाट वी होप एंड प्रे फॉर यू। जाते जाते आपकी जो फैन फॉलोइंग बन रही है और बढ़ रही है, एज यू सेड ना, इंस्टा पे भी अभी फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, और तो अभी हार्ड क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को इस इंटरव्यू, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मच, कीप सपोर्टिंग मी. मैं आपके सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता होगा. तो बस देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा जितना ऑनेस्टली दिल से अपना काम कर सकूं ताकि वो आप तक अच्छे से पहुंच सके. एंड दैट्स अबाउट इट. और मैं क्या बोलूं. ओके सो समर ऑन दैट नोट, विशिंग यू ऑल द लक। ये कहानी जो है कथा की, ये आगे जाए एहसान, और यू नो हमें कैरेक्टर शेड्स देखने के लिए मिले, एज यू सेड आई एम वेटिंग एक्साइटेडली फॉर दैट, और सारा काम आपका हो जिससे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिले। सो विशिंग यू लक एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। यस, थैंक यू सो मच. प्लेजर.